सीता द्वार मेला अब की बार कैसा रहेगा? तो मैं हूँ सीता द्वार मंदिर के सामने और चल रहा हूँ आगे। सबसे पहले यहाँ के जो महंत हैं उनसे मैं मिलवाता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पूरा चारों तरफ पूरा ग्राउंड दिखाऊंगा आपको। सर अब की बार ये सीता द्वार मेला कितने दिनों तक चलेगा? ये 19 तारीख से जो 19 नवंबर से आरंभ हो जाएगा मेला, 5 दिन तक यहाँ मेला चालू रहेगा। जी, तो ये लगातार 5 दिनों तक सीता द्वार मेला चलता रहेगा। और आज 17 तारीख है, 17 नवंबर, तो यहाँ मेला में खास करके क्या क्या व्यवस्था कुछ? अब मेले में ऐसे दुकान उकान लग रही है और श्रद्धालु अपना आकर यहाँ दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे अपना। अच्छा, सीता कुंड सरोवर है उसमें स्नान करके यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। अच्छा, सीता सरोवर, सीता कुंड। अच्छा, सीता कुंड सरोवर। अच्छा, सीता सरोवर, सीता सरोवर कुंड वहाँ बगल में बना हुआ है, वहीं पे भक्तजन आकर स्नान करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद चलते लौकुफ का जन्म हुआ है यहीं पे। जी, लौकुफ जन्म वाल्मीकि जी का यहीं आश्रम था, यहाँ पर लौकुफ का जन्म हुआ। लौकुफ को ज्ञान बुद्धि प्राप्त ली महस्त वाल्मीकि आश्रम। जी, और कल्प वृक्ष लाग है उसी तरह वाल्मीकि जी ने ज्ञान बुद्धि प्राप्ति किया। जी, ऊपर वाल्मीकि आश्रम में। जी, वाल्मीकि आश्रम। और ये वट वृक्ष है, जब भगवान ने के लिए घोड़ा छोड़ा तो लौकुफ ने इस वट वृक्ष में घोड़ा बांधा। ये वो सामने वट वृक्ष लगा हुआ है, यही वो वट वृक्ष है पुराना। यहाँ पे माता सीता जी है, लौकुश है। जी, माता सीता और लौकुश ये प्राचीन काल की मूर्ति है। लौकुश हनुमान जी और माता सीता का चरण। जी जी, जिला श्रावस्ती सीता द्वार मंदिर। जी, ये हमारे यहाँ के महंत जी है, सीता द्वार मंदिर के जो है। जी, ये सीता द्वार मंदिर के ये महंत जी है जो 30 वर्ष से पूजा पाठ इसी मंदिर में करते हैं। जी जी, और उपस्थित 24 घंटा रहते हैं। जी, मैं उनका शिष्य पंडित संतोष दास तिवारी जो 7 वर्ष के थे तभी इसी मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, गुरु जी का सेवा करते हैं। जी जी, सभी भक्तों से जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, तो ये वट वृक्ष है, इसके बारे में कुछ थोड़ा। ये जो है भगवान ने जब यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा जी, तो लौकुश ने इसी वट वृक्ष में घोड़ा को बांध दिया। जी, इसी में घोड़ा बांध दिया। जी, भगवान ने जब यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा। जी, फिर ऊपर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहाँ लौकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति। जी, वो सामने वो चलकर भी दर्शन, वाल्मीकि का आश्रम वहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ आश्रम तक भी आपको ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ का जो आश्रम बना हुआ है। तो यही है वो आश्रम, यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत। ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। जी, यही पे लौकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली है। जी, आप उस स्थान पे पहुंचे हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम। जी जी, ये यहाँ के पुजारी जी उपस्थित में है। जी, ये वाल्मीकि जी के यहाँ के। जी जी, थोड़ा जो सब जो है उनसे बात किया जाए यहाँ के बारे में। अब थोड़ा यहाँ वाल्मीकि के बारे में बताएंगे कुछ, बैठी हो तब बताइए। यहाँ आश्रम पर पहुँचो है। जी, जहाँ सीता जी छोड़ी गई रहा। जी, लक्ष्मण जी छोड़ करके यहाँ से चले गए। जी, और यहाँ से छोड़ करके जब चले गए सीता जी सोई गई। जी, और जब जागी तब उन्होंने विलाप किया। जी, रोया। जी, मन में फिरते भुलाते भटकते भुलाते आकर के जब वाल्मीकि के आश्रम वहाँ पहुँची तब इन्होंने उनका रक्षा किया। जी, और यहाँ लौकुश का जन्म हुआ। लौकुश विद्या पाएं, बुद्धि पाएं, बल पाएं, सीता जी के रक्षा हुआ। जी, उस भूमि पे आप लोग पहुँच गए। जी, तो आप उसी भूमि पे हैं और यहाँ वाल्मीकि जी का यहाँ है और ये सामने जो लगा है ये कल्प वृक्ष है। जी, और मैं ले चलता हूँ कल्प वृक्ष तक। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है कल्प वृक्ष।
यही है वो ब्रिज। इस ब्रिज के बारे में थोड़ा आप जानकारी दे सकते हैं सर? हाँ, जानकारी जी बता। ये कल्ट ब्रिज है, इसमें जो है मनोकामना दर्शनार्थी के मन में अगर कोई कल्पना होता है तो यहाँ मन्नत मांगते हैं तो इनकी मनोकामना माता सीता जी पूर्ण करती है। जी जी, इसीलिए इसको कल्प वृक्ष बोला गया है जी सर। और ये डबल पौधा उत्पन्न भी नहीं होता है जी, और ये कभी इसमें फर फूल भी नहीं आता, ये हमेशा इसे सदा हरा रहता है जी, और ये कभी पतझड़ भी नहीं होता है, ये बारह मास ऐसा ही रहता है जी। कल्प वृक्ष जी, ये कल्प वृक्ष ऐसे कि ऐसा ही बना हुआ है। और यहाँ का जो है इतिहास जी, जब माता सीता के ऊपर धूबी का लाक्षण लगा अयोध्या में, लाक्षण के द्वारा राजा रामचंद्र जी ने प्रत्याग किया सीता जी को जी, फिर लक्ष्मण जी को आदेश दे कि ले जाकर सीता जी को वन में छोड़कर आइए जी, फिर लक्ष्मण जी ने अपना रथ सजाए दक्षिण दिशा होते होते उत्तरी दिशा में सीता जी को गर्भावस्था में लाकर लक्ष्मण जी यहाँ पर जब पहुँचे जी, तो यहाँ पे कजरी का बहुत विकट सा जंगल था और इसी जंगल में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम भी था जी। तब जब सीता जी को प्यास लगा तो लक्ष्मण जी ने बहुवेदी बाण मारा, तब सीता कुंड सरोवर सात कोस का उत्पन्न हुआ झील जी, फिर यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ, लवकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जी। आज उसी जो 19 नवंबर का मेला लगेगा कार्तिक पूर्णिमा में, उसमें लाखों श्रद्धालु आकर स्नान करेंगे, उनकी मनोकामना माता सीता और वाल्मीकि जी ने उनका पूर्ण करेंगे जी। ये लवकुश की तपोभूमि स्थली है, लवकुश का जन्म भूमि है जी, फिर महर्षि वाल्मीकि का स्थान है यहाँ पे, जो लवकुश को शिक्षा प्रदान दिया जी। आप उसी आश्रम में पहुंचे हैं, पंडित संतोष दास तिवारी, जिला श्रावस्ती, सीता द्वार मंदिर के पुजारी, सभी भक्तों से जय सीताराम जी। और वो जो सामने सर वो जो कुंड बना हुआ है सरोवर, उसके बारे में थोड़ा? हाँ, जो सीता कुंड सरोवर जो है, जब सीता माता को प्यास लगा तो लक्ष्मण जी ने बहुवेदी बाण मारा, तब सीता कुंड सरोवर सात कोस का उत्पन्न हुआ वो जी, जो आज उसी झील का जो है 19 तारीख को जो कार्तिक पूर्णिमा है उसी में श्रद्धालु अपना स्नान करेंगे और अपना मनोकामना पूर्ण करेंगे जी। तो सीता सरोवर कुंड है, वहाँ तक भी मैं चलूंगा और आपको दिखाऊंगा सीता सरोवर कुंड जो सात कोसों में बना हुआ है। और हमारा यही श्रद्धालुओं से जो है निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आकर माँ जगत जननी सीता को दर्शन करें और माँ वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लें और लवकुश का जन्म भूमि पर जी। सभी भक्तों से जय सीताराम। झील दिखा दी। तो ये था सीता सरोवर कुंड जो सात कोसों में बना हुआ है। और मैं चल रहा हूँ सामने, आपको दिखाऊंगा वहाँ तक, आपको पूरा ग्राउंड मेले का दिखाऊंगा और ग्राउंड में क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। तो चल रहा हूँ वहाँ तक सामने और आपको दिखाता हूँ। तो ये ग्राउंड का सबसे आखिरी छोर है और यहीं पे ये सबसे बड़ा वाला झूला बन रहा है, अभी तैयार होने में कुछ समय लगेगा। और इसी के बगल में एक मोबिंग डांस झूला भी है और उसी के बगल में एक छोटा सम्राट जादूगर भी तैयार हो रहा है। ये जादूगर सम्राट भी तैयार हो रहा है और उसके बगल में कार का झूला भी बना हुआ है और उसी के बगल में ये बड़ा वाला जो सामने देख रहे हैं बड़ा सा